वेलकम टू मोटर रिव्यूज़। अगर आप न्यू बाइक परचेज करने का मन बना रहे हैं तो जल्द इंडियन मार्केट में आपको 2021 ऑल न्यू होंडा CB-125R का लॉन्च देखने को मिल जाएगा। होंडा CB-350 के सक्सेस के बाद होंडा अपने काफ़ी न्यू बाइक्स इंडियन मार्केट में जल्द लॉन्च करने वाली है, जिसमें आपको होंडा CB-250 एंड होंडा CB-125R भी देखने को मिल जाएगा। इस बाइक का सीधा सीधा कंपटीशन ऑल न्यू KTM ड्यूक 125 के साथ होगा, बट इसका आपको प्राइस काफ़ी लो देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू KTM ड्यूक 125। होंडा CB-125R का आपको इंडिया में लॉन्च कब देखने को मिलेगा, फीचर्स क्या कुछ देखने को मिलते हैं एंड इस बाइक का प्राइस कितना रहने वाला है, सारी डिटेल एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस रिव्यू को ज़रूर आप एंड तक देखिए। होंडा CB-125R में जो आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं, इंजन इसमें आपको 125cc का फ्यूल इंजेक्टेड लिक्विड कूल इंजन मिलता है। पावर इस बाइक की आपको 14.7 HP की मिल जाती है। टॉर्क इसमें आपको 11.6 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। वेट इस बाइक का 130 kg विथ फ्यूल देखने को मिलता है। डिस्का साइज फ्रंट में इसमें आपको 296 mm हाइड्रोलिक डिस्क देखने को मिलेगा फ्रंट में। रेयर डिस्क में 220 mm हाइड्रोलिक डिस्क देखने को मिल जाएगा। सस्पेंशन में फ्रंट में इसमें आपको 41 mm के अपसाइड डाउन फोक सस्पेंशन मिलते हैं फ्रॉम शोवा। रेयर सस्पेंशन में मोनोशॉक मिल जाएगा। अगर हम इस बाइक की परफॉर्मेंस की बात करें तो टॉप स्पीड इस बाइक की आपको 125 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मिलती है। एवरेज जो ये बाइक जनरेट करेगा सिटी में, ये बाइक आपको 47 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एवरेज जनरेट कर देगा। हाईवे पे ये बाइक आपको 52 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एवरेज जनरेट कर देगा। होंडा CB-125R में आपको क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, इस बाइक में आपको फुली लोडेड फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इस बाइक में आपको फुली LED DRL हेडलाइट देखने को मिलती है एंड इसमें आपको फुली LCD डिजिटल मीटर कंसोल भी मिल जाएगा। इंजन कूलिंग टेक्नोलॉजी इसमें आपको लिक्विड कूल देखने को मिलती है एंड इसमें आपको LED इंडिकेटर्स भी मिल जाएंगे। सिंगल चैनल ABS भी इस बाइक में आपको देखने को मिलता है फ्रंट में एंड इसमें आपको अपसाइड डाउन फोक सस्पेंशन भी मिल जाएंगे। अंडर बेली एग्जॉस्ट भी इस बाइक में आपको मिलता है एंड इसमें आपको स्प्लिट सीट भी मिल जाएगी। इस बाइक में आपको पावरफुल इंजन देखने को मिलेगा एंड इसमें आपको काफ़ी रिफाइंड इंजन देखने को मिल जाएगा। इस बाइक में आपको टोटली प्रीमियम कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। ये बाइक काफ़ी लाइटवेट बाइक रहेगा। इस बाइक में आपको एफिशिएंट ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। एज सच इस बाइक में आपको कोई भी वाइब्रेशंस नहीं फील होंगे एंड इसमें आपको कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन भी देखने को मिल जाएगा। ये बाइक काफ़ी परफेक्ट रहेगा यंग एंड न्यूली राइडर्स के लिए। अगर हम इस बाइक के कलर्स की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी वाइब्रेंट कलर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट कलर इसमें आपको ब्लैक कलर देखने को मिल जाएगा। सेकेंड कलर इसमें आपको ग्रे कलर देखने को मिल जाएगा। थर्ड कलर इसमें आपको मैट ब्लू कलर देखने को मिल जाएगा। फोर्थ कलर इसमें आपको मैरून कलर देखने को मिल जाएगा। अगर हम इस बाइक के प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस आपको 1,20,000 एक्स शोरूम देखने को मिलेगा एंड इस बाइक का लॉन्च आपको मिड मार्च 2021 में देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपसे डिस्कस की। स्टिल आपके कोई डाउट्स या कभी भी कोई क्वेश्चन होते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के रिव्यू को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।